हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है फ्राइडे, बज रहे हैं शाम के 4 और बड़े दिनों बाद आज मैं अपना ब्लॉग लेके आई हूँ। सोचा है कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और क्या आप लोगों ने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवा ली है? मैंने तो नहीं लगवाई, स्लॉट ही नहीं मिल रहा है दिल्ली में। अच्छा, पहले जब मिल रहा था स्लॉट तो मैंने ये न्यूज़ में पढ़ा था कि जो फीडिंग मदर होती हैं वो नहीं लगवा सकती कि बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाई उस टाइम पे। और अब जब न्यूज़ में आ रहा है कि लगवा सकती हैं, बच्चे के लिए भी सेफ होगा, तो अब स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी ने लगवा लिया है वैक्सीनेशन, बस मैं ही रह गई। आज के दिन 2 महीने हो गए, मैंने अपने गेट के बाहर एक कदम तक नहीं रखा हुआ है। बस अपने घर पे ही रहती हूँ, घर वालों से बात करती हूँ। मेरे रूम की खिड़की है, उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास था, मतलब अभी भी है। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि कभी रात में कुछ कर रहे हो आप तो लगता था कि बाहर कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि हमें बाहर का तो दिखता नहीं है ना रात को। वैसे तो हम टॉप फ्लोर में रहते हैं, लेकिन फिर भी। तो मैंने ना अमेजोन पे देखा, वहाँ पे स्टिकर देखे, तो मैंने अपनी विंडो के ग्लास में स्टिकर लगा दिया। और उससे क्या होता है कि अब बाहर का तो नहीं दिखता है और उजाला भी काफ़ी आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको भी दिखा दी। और नेचुरल लाइट भी आती है दिन में, और जब सुबह उठो तो उजाला आ जाता है नेचुरल, तो पर्दा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे रूम की वॉल्स में इतना डार्क पेंट क्यों है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना डार्क कलर अच्छा लगता है, तो उन्होंने इस रूम का जो पेंट डार्क करवाया है वो भी शादी से पहले। डार्क पेंट से क्या होता है, रूम काफ़ी छोटा लगता है, ठीक है। तो अब दिवाली आएगी, 5-6 महीने हैं, तो इस दिवाली पे मैं पेंट करवाऊंगी लाइट कलर का। लास्ट ईयर नहीं करवा पाई क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो काफ़ी काम हो जाता है ना, पेंट कराओ तो इधर उधर सामान शिफ्ट करना वगैरह। तो इस बार करवाएंगे तो शायद वाइट या ऑफ वाइट कलर करवाएं। और इतना डार्क पेंट है तो इसमें कुछ ना ही हम वॉल स्टिकर अच्छा लगवा सकते हैं, दिखेंगे ही नहीं। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ग्लास वाले स्टिकर लगवा लिए। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ग्लास वाले स्टिकर हैं जो इस पर अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टिकर अच्छा लगता। और ऐसे स्टिकर मैंने अपने बाथरूम के डोर में भी लगा रखे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। पर ऊपर लगवा रखे हैं खाली, क्योंकि जितने थे उतने लगा दिए और ऊपर का एक निकल गया है। तो छोटे छोटे आइडियाज से ना आप अपने रूम को, अपने घर को काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं। और अभी मेरी बेटी दादा दादी के साथ है, उनके साथ खेल रही है, इसीलिए मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और आप लोगों से बातें करते करते मुझे ना थोड़ी सी भूख लगने लगी है। वैसे तो लंच किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन स्नैक्स तो खा ही सकते हैं ना। तो चलिए मैं बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे को वो बहुत पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किचन में। आज मैं बनाऊँगी कैरेमल पॉपकॉर्न। सबसे पहले आप एक पैन लीजिए और पैन में 1 चम्मच बटर डाल के उसे मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने के बाद आपको भुट्टे के बीज को भूनना है और उसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है। उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए गैस को, और ऐसे ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे। उसे एक प्लेट में खाली कर लीजिए। फिर उसी पैन में एक छोटी कटोरी चीनी डाल दीजिए और उसे मेल्ट होने दीजिए। अभी गैस जो है वो तेज़ कर रखी है, जब मेल्ट हो जाए तो आप गैस कम कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और 2 चम्मच बटर डाल दीजिए। उसके बाद उसे चला लीजिए और 2 चुटकी खाने का सोडा डाल दीजिए। उसके बाद आपको इसमें पॉपकॉर्न डाल देना है और उसे चला लेना है। स्टार्टिंग में तो लगेगा जैसे इसमें लग नहीं रहा है, पर धीरे धीरे कॉर्न में कैरेमल चिपक जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको प्लेट में डाल दीजिए और 10 मिनट ठंडा होने के बाद आप उसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि वो चिपक जाता है। तो ये तैयार है हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न।
देखा आपने बनाना कितना इजी था, और मैं ले आई हूँ अपने पास और मैंने अपने डब्बे में भी रख लिया है और खाती रहती हूँ इसको। बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हुए हैं, आप मेरे कहने पे सिर्फ एक बार ट्राई कीजिएगा, सच बोल रही हूँ, आप बार बार इसे बनाएंगे। और अच्छा, मैंने ये फर्स्ट टाइम खाए थे 2015 में, मैं दिल्ली आई हुई थी, तो वैसे मैं उस टाइम पे अपने घर उत्तराखंड में रहती थी, तो दिल्ली आई हुई थी, तो मैं मूवी देखने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मैंने 400 का पैकेट खरीदा और इतने थोड़े से आए, और लेकिन मुझे लगे बड़े अच्छे। फिर मैं अपने घर चली गई, जो अल्मोड़ा में रहती हूँ, वहाँ तो पिक्चर हॉल ही कई साल के बाद खुला, तो वहाँ मिलते ही नहीं थे, तो मैंने देखा यूट्यूब पे और सीखा कैसे बनाते हैं, तब से मैं बनाती हूँ। और आप जब पीवीआर में जाओगे इतने महंगे मिलते हैं, और घर में बनाने में इसमें कुछ भी रुपए नहीं लगते हैं, और टाइम का ना पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। मेरी बेटी को अभी मतलब 6 मंथ चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि वो इतनी जल्दी बड़ी होती जा रही है, और 2 महीने हो गए घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ मैं। पहले क्या होता था कि वीकेंड्स में होता था कि चलो बाहर घूमने जाते हैं, और बाहर बस मुझे होता है कि बस मुझे बाहर घुमा दो, कुछ मत खिलाना कुछ नहीं, बस इसे घुमा के ले आओ, थोड़ी सी हवा पानी चेंज होता है ना, थोड़ी सी हवा चेंज होती है तो अच्छा लगता है मुझे एनर्जी, लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ ना, तो लगता है कि अब कुछ होप ही नहीं है कि बाहर जाएंगे क्या, तो घर पे रहना ही ज़्यादा सेफ है। तो मैं आपसे भी बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे ही रहिए, अगर नेसेसरी है तभी जाइएगा, बुजुर्गों को तो ना ही जाने दीजिएगा। और वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद कोविड अगर हो भी जाए तो ऐसा जानलेवा नहीं होता है, एंटीबॉडीज अब वो क्रिएट कर देता है, तो लगा तो मैं जल्द से जल्द लगवाऊंगी। और तो मैं आपसे भी बोलूंगी कि कम से कम बाहर जाइए, घर में आने वाली हर एक चीज़ को सैनिटाइज कीजिए। और मैं तो पता है बालकनी में भी बहुत रेयरली जाती हूँ, वो भी मास्क लगा के, कपड़े भी नहीं डाल रही हूँ बालकनी में, क्योंकि एयर में भी 10 मीटर तक रहता है कोरोना वायरस, इसलिए घर के अंदर सूख जाते हैं एक रात में। ये डर की वजह से मेरे हस्बैंड ये कॉन्टेक्टलेस थर्मामीटर लेके आ गए और हम इसे चेक करते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक लेके आए हैं ऑक्सीमीटर, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है पता चल जाता है, और ऐसे रख लेना चाहिए। मैं तो मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लेते हैं, लेकिन जब अभी ज़रूरत नहीं है तो रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और क्या पता कि जिस इंसान को ज़रूरत पड़ रही है तो उस तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अभी जिसे नहीं हुआ है तो। लेकिन अपनी तरफ से हम प्रिकॉशंस तो रख ही सकते हैं। लेकिन न्यूज़ भी बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली सितंबर में, जो कि बच्चों को हिट करेगी, तो यार बच्चों को हो जाए तो फिर क्या करें, हमको हो जाए कुछ, लेकिन बच्चों को नहीं होना चाहिए ना। अब सोचते ना कि मतलब बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, अब माँ बनने के बाद ही ये सब फीलिंग आती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हमें कदर नहीं होती है, बट जब हम उस स्टेज में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। और आज मैंने पहना है ये ब्लू कलर का कुर्ता, आप बताइए क्या कैसा लग रहा है ये। और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिएगा। उसे प्रेस करने से क्या होता है कि जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालती हूँ वो तुरंत आप तक पहुँचते हैं, और जिन्हें आप देख सकें मिस ना करें। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलती है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।